हेलो एवरीवन, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फीटल हर्ट सर्कुलेशन। फीटल हर्ट सर्कुलेशन मतलब जो यूट्रस के अंदर फीटस होता है उसके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको फीटल का हर्ट किस तरीके से फीटल की बॉडी तक सर्कुलेट करता है वो आज अपन देखेंगे। अब देखिएगा, फीटस का जो हर्ट है वो पूरी बॉडी में, फीटल की बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड को, बट यहाँ पर फीटस के जो लंग्स होते हैं वो लंग्स वर्किंग ऑर्डर में नहीं होते। तो जब लंग्स वर्क नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, ऑक्सीजन जो सप्लाई करने का काम करेगा वो प्लेसेंटा करेगा। अब जो प्लेसेंटा है वो मदर मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके जो यूट्रस की इनर लेयर है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और प्रेगनेंसी के टाइम पर एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ भी बोलते हैं। अब जो डेसिडुआ से मीन एंडोमेट्रियम से जो प्लेसेंटा अटैच होता है वो ही यहाँ पर क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। मतलब यहाँ से अम्लाइकल वेन ब्लड को लेके जाएगी और उस वेन के अंदर ही ऑक्सीजन होगी, मतलब गैसेस एक्सचेंज का काम भी प्लेसेंटा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पर लंग्स जो है वो वर्किंग में नहीं रहते हैं फीटल की, तो जो गैसेस एक्सचेंज का काम करने का काम करता है वो है अपना प्लेसेंटा जो कि मदर की एंडोमेट्रियम से अटैच है। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं जो ब्लड है वो प्लेसेंटा के थ्रू किस तरीके से जाता है। तो यहाँ पर प्लेसेंटा से दो आर्टरीज कनेक्ट है और वन वेन कनेक्ट है। अब देखिएगा, ये है वेन और इसको बोलेंगे अपन अम्लाइकल वेन। अब देखिएगा, अम्लाइकल जो वेन होती है, ये जो अम्लाइकल वेन है वो प्लेसेंटा से ब्लड को लेके जा रही है। अब जब ये प्लेसेंटा से ब्लड को लेके जाएगी तो जो फर्स्ट चैनल बाईपास होगा वो होगा अपना लीवर। मीन ये किसका लीवर है, फीटस का लीवर है। तो यहां से जो प्लेसेंटा के थ्रू अम्लाइकल वेन ब्लड लेके गई है वो ब्लड लीवर को बाईपास हुआ है, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट चैनल बाईपास। बाईपास मीन यहां पर जो अम्लाइकल वेन ब्लड लेके जा रही है वो बाईपास हो गया है किसको, लीवर को। अब अपन ने बोला यहाँ पर फर्स्ट चैनल बाईपास, मीन सेकंड चैनल बाईपास भी यहां पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। तो अब देखिएगा, अम्लाइकल वेन जब ब्लड को लेके गई तो फर्स्ट ब्लड को बाईपास कर दिया किसको, लीवर को। अब देन आगे जो ब्लड जाना है वो आगे की तरफ सर्कुलेट होकर आईवीसी, आईवीसी मीन इंफीरियर वीना कावा से क्या हो गया है, अम्लाइकल वेन मिल गई है। अब यहां पर अम्लाइकल वेन जाकर आईवीसी से मिल जाएगी और आईवीसी से जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड में जाकर मिक्स हो जाएगा अम्लाइकल वेन का ब्लड। अब जो ये वेन मीन अम्लाइकल वेन और आईवीसी, आईवीसी भी क्या है, इंफीरियर वीना कावा, और ये फीटल की इंफीरियर वीना कावा है, मीन वी से वैन, वीना मतलब वैन। अब जब दो वैन मतलब अम्लाइकल वैन और आईवीसी जब दोनों मिलेंगी, तो दो वैन जब मिलती हैं तो उस जगह को जहां पर वो मिलेंगी उस जगह को अपन बोल देंगे डक्टस, डक्टस वीनोसस, डक्टस वीनोसस। जहां पर दो वेन मिलती हैं तो उसको बोलते हैं वीनोसस। मतलब ये आईवीसी और अम्लाइकल वेन जब दोनों मिलेंगी तो इस जगह को अपन बोल देंगे डक्टस वीनोसस। अब देखिएगा, ये ब्लड फिर आगे की तरफ सर्कुलेट होगा और आगे की तरफ सर्कुलेट होकर किसमें डाल दिया जाएगा, राइट एट्रियम में। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, जो अम्लाइकल वेन से ब्लड आ रहा था इसके अंदर प्रेजेंट थी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट थी उसकी जो सेचुरेशन है, सेचुरेशन है वो 80% है। मीन यहां से जो प्लेसेंटा के थ्रू अम्लाइकल वेन जा रही है उसके अंदर वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन की सेचुरेशन है 80%। अब देखिएगा,
जब ये आईवीसी से मिल जाता है तो उस जगह को अपन ने बोल दिया था डक्टस विनोसस। अब विनोसस वो जगह है जहां पर अम्बिलिकल वेन और आईवीसी मिलेंगी। अब आगे जाकर ये जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में डाल दिया जाएगा। ये किसका हर्ट है? ये फीटल का हर्ट है। अब राइट एट्रियम के अंदर जो ब्लड डलेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो 80% सेचुरेटेड ऑक्सीजन है। अब ये जो ब्लड है वो देखिएगा, यहाँ पर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट है। इस ओपनिंग को अपन बोलते हैं फोरामेन ओवल। यहाँ पर जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है फीटल के हर्ट में, इसको ही अपन बोलते हैं फोरामेन ओवल। अब देखिएगा, जो अम्बिलिकल वेन राइट एट्रियम के अंदर ब्लड लेके आई है वो इस ओपनिंग की वजह से 70% जो ब्लड होगा वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा और रिमेनिंग जो 30% ब्लड होगा वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा बाय द ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है और ये जो 30% बचा हुआ ब्लड था वो राइट वेंट्रिकल में आएगा, बिकॉज 70% ब्लड फोरामेन ओवल की ओपनिंग के थ्रू राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ चुका है और ये जो 30% बचा हुआ ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। अब जो राइट वेंट्रिकल के अंदर आया है ब्लड वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू नीचे की तरफ जाएगा। अब ये जो नीचे की तरफ जाएगा तो कुछ परसेंट में ये किसको सप्लाई कर देगा, मीन पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को सप्लाई कर देगी कुछ परसेंट ब्लड। तो ये जो सप्लाई की है, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर लीवर को सप्लाई कर रही थी अम्बिलिकल वेन, सेकंड यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी कुछ परसेंट लंग्स को बाईपास करेगी, तो इसको बोलेंगे अपन सेकंड चैनल बाईपास। बिकॉज फर्स्ट चैनल बाईपास आपका लीवर था और सेकंड चैनल बाईपास आपके लंग्स हैं जो कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई की गई है। यहाँ पर जो बाईपास चैनल बना है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बना है। अब मीन यहाँ पर कुछ परसेंट ही ब्लड लंग्स को जाएगा, बाकी जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी किस में डाल देगी, एरोटा में। एरोटा के अंदर ब्लड डाल दिया जाएगा। अब देखिएगा एरोटा कहां से आया है, यहां लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकला है। ये असेंडिंग एरोटा है, ये आर्च ऑफ एरोटा है और ये डिसेंडिंग एरोटा है। तो डिसेंडिंग एरोटा के बीच पास जाकर ये पल्मोनरी आर्टरी मिलेगी। मीन आपको पता है जब यहां पर वेन और वेन मिल रही थी, पल्मोनरी वेन और आईवीसी मिल रही थी तो विनोसिस हो रहा था। अब यहां पर आर्टरी और आर्टरी, अरोटा भी क्या है, आर्टरी है और पल्मोनरी भी आर्टरी है। अब जब दोनों आर्टरी मिलेंगी तो इस जगह को अपन क्या बोल देंगे, जैसे कि अपन यहां बोल रहे थे विनोसस तो यहां बोलेंगे आर्टरियोसस, तो इस जगह को बोल देंगे अपन डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस, इस जगह को अपन बोलेंगे डक्टस आर्टेरियोसस। यहां पर अपन बोल रहे थे डक्टस विनोसस तो यहां पर अपन बोलेंगे डक्टस आर्टेरियोसस, मतलब दो आर्टरी के मिलने को आर्टेरियोसस बोलते हैं। अब देखिएगा जो ये ब्लड है, यहां से जो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड अरोटा में आया है, अरोटा में आकर यहां ये नीचे की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ जाने के बाद यहां पर एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की टू ब्रांचेस निकलेंगी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की टू ब्रांचेस निकलेंगी जो लोअर पोर्शन में ब्लड सप्लाई कर देंगी। बाकी जो ये अपर पोर्शन के लिए असेंडिंग अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा एंड थोरेसिक अरोटा, ये ब्लड सप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी लोअर पोर्शन को ब्लड सप्लाई करेगी और यहां से ही दो ब्रांचेस निकलेंगी इंटरनल इलियक आर्टरी की। अब जो इंटरनल इलियक आर्टरी की दो ब्रांचेस निकलेंगी, इसके अंदर जो
ब्लड होगा उसकी सेचुरेशन कम हो जाएगी। सेचुरेशन कितनी रह जाएगी? यहाँ पर जो सेचुरेशन रहेगी वो 50% ही रह जाएगी। मीन अब यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो ये यहाँ से इंटरनल इलियक आर्टरी की 2 ब्रांचेस दोबारा प्लेसेंटा की तरफ जाएंगी। और ये देखिएगा आप, ये दोबारा प्लेसेंटा की तरफ जा रही है, जो इसके अंदर सेचुरेशन है, जो सेचुरेशन है इसके अंदर वो कितनी रह गई है यहाँ पर, वो रह गई है 50% सेचुरेशन रह गई है ऑक्सीजन की। तो ये वापस ऑक्सीजन के लिए ब्लड जा रहा है लेने के लिए, और प्लेसेंटा इसको क्या प्रोवाइड करवा देगा? ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा देगा, और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये अम्लाइकल वेन के थ्रू दोबारा ये ऐसा ही सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। तो ये कंटिन्यू ऐसा फीटल्स के अंदर चलता रहता है, और कंटिन्यू एक सर्कल के अंदर ब्लड बहेगा, तो उसको ही बोलेंगे अपन सर्कुलेशन। और किसके थ्रू ये ब्लड फ्लो होता है? ये फ्लो होता है हार्ट के थ्रू, और हार्ट किसका है? फीटस का, मीन फीटल, फीटल का ये हार्ट है। तो इसके थ्रू यहाँ पर सर्कुलेशन इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखिएगा एक और बार, अगर अपन देखें तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से एक अम्लाइकल वेन निकलती है और 2 आर्टरीज निकलती हैं। आर्टरीज यहाँ पर ब्लड को लेके आएंगी, जबकि अम्लाइकल वेन ब्लड को लेके जाती है। अब देखिएगा फीटस के अंदर 2 वेन, 2 अम्लाइकल वेन और 2 आर्टरी। ये अम्लाइकल है, ये भी अम्लाइकल है, 2 अम्लाइकल वेन और 2 अम्लाइकल आर्टरी प्रेजेंट रहती हैं। बट फोर्थ मंथ पे, 4 मंथ पर राइट अम्लाइकल वेन डिसअपेयर हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसअपेयर हो जाती है, और जो रह जाती है वो लेफ्ट अम्लाइकल वेन ही रह जाती है। तो लेफ्ट अम्लाइकल वेन, ये जो वेन है वो लेफ्ट अम्लाइकल वेन है। यहां पर एक ही वेन प्रेजेंट होती है, जबकि 2 आर्टरीज प्रेजेंट होती है प्लेसेंटा के अंदर, बिकॉज राइट वाली अम्लाइकल वेन फोर्थ मंथ, मतलब फीटल की जो लाइफ थी उसका जो फर्स्ट 4 मंथ था, उसी के अंदर ये जो राइट अम्लाइकल वेन है वो डिसअपेयर हो गई। तो बची है वो लेफ्ट अम्लाइकल वेन है, और लेफ्ट अम्लाइकल वेन ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी, जिसके अंदर 80% सेचुरेशन होगी। फर्स्ट चैनल जो बाईपास होगा वो लीवर को होगा, ये जो फर्स्ट चैनल बाईपास है वो लीवर को हुआ है। आगे जब ये जाकर आईवीसी से मिल जाएगी अम्लाइकल वेन, और आईवीसी से मिलेगी तो उस जगह को अपन बोल देंगे डक्टस विनोसस। अब यहां से ये ब्लड दोबारा आगे की तरफ जाएगा और कंटिन्यू फ्लो होके राइट एट्रियम में डाल दिया जाएगा। राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा, बट 70% ब्लड एक ओपनिंग होने की वजह से, इस ओपनिंग का नाम है फोरामेन ओवल, लेफ्ट एट्रियम के अंदर डाल दिया जाएगा। अब जो 30% ब्लड बचा है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, बाकी का लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व भी बोल सकते हैं अपन इसको, इसके थ्रू 70% ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब जो 30% ब्लड है वो नीचे की तरफ फ्लो होगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और सेकेंड चैनल बाईपास मीन लंग्स को यहाँ पर सप्लाई कर दिया जाएगा, और फिर ये कंटिन्यू फ्लो होके अरोटा में मिलेगा, और ये यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा लेके जाएगा, असेंडिंग अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा एंड डिसेंडिंग अरोटा। ये यहाँ पर ब्लड सप्लाई करता हुआ चल रहा है, इसकी अरोटा की ब्रांचेस निकली हुई है, और ये यहाँ से सेल्स को ब्लड दे देगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। बाकी फिर ये नीचे आकर यहां पर पल्मोनरी आर्टरी अरोटा से मिलेगी, तो इस जगह को बोलेंगे डक्टस आर्टेरियोसस, इस जगह को बोलेंगे अपन डक्टस आर्टेरियोसस। और यहां पर जो लंग्स को बाईपास किया था ये सेकंड चैनल बाईपास होगा। अब यहां पर अरोटा की 2 ब्रांचेज हैं, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड इंटरनल इलियक आर्टरी। अब एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की भी 2 ब्रांच है और इंटरनल इलियक आर्टरी की भी 2 ब्रांच है। तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी लोअर पोर्शन को ब्लड सप्लाई कर देगी, और इंटरनल इलियक आर्टरी जिसके अंदर सेचुरेशन कम होगी, 50% ही सेचुरेशन होगी,
इसलिए दोबारा से सेचुरेट करने के लिए, दोबारा से ऑक्सीजन लेने के लिए ये आर्टरीज यहां पर प्लेसेंटा पर पहुंच जाएंगी और फिर यहां से ऑक्सीजन ले ली जाएगी प्लेसेंटा से और दोबारा ये सर्कुलेशन ऐसा ही होगा, अम्लाइकल वेन दोबारा ब्लड को लेके जाएगी, ये ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आई होप आपके समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको मैंने जो डायग्राम बनाया है वो बहुत ही सिंपल वे में बनाया है जिससे कि आप बहुत इजी वे में इसको समझ जाओ। अब देखिएगा आगे अपन बात करते हैं कि आफ्टर बर्थ जो फीटल होता है वो आफ्टर बर्थ इस सर्कुलेशन में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। तो आफ्टर बर्थ जो चेंजेस देखने को मिलेंगे फीटस के हर्ट में तो वो क्या होंगे अपन देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं अपन फर्स्ट जो आपकी अम्लाइकल वेन किससे जाके मिल रही थी, ये मिल रही थी आईवीसी से। तो यहां पर इसको बोल रहे थे आप डक्टस विनोसस। अब जो ये डक्टस विनोसस है इसके अंदर सबसे पहले जो आफ्टर बर्थ फीटल का बर्थ होने के बाद जो चेंजेज आएंगे तो वो चेंजेज अगर अपन देखते हैं फंक्शनली जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो विद इन 5 मिनट मीन 5 मिनट के अंदर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये फंक्शन मतलब फिजियोलॉजिकली इसके अंदर जो चेंजेस आ जाएगा वो विद इन 5 मिनट के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं यहां पर बात करते हैं एनाटोमिकल जो चेंजेस देखने को मिलेगा मीन इसके अंदर पूरी तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस आएगा उसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1 वीक। 1 वीक के अंदर इसके अंदर स्ट्रक्चरली चेंजेस देखने को मिलेगा, पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। सेकेंड अपन बात करते हैं आफ्टर बर्थ जो चीज निकल के आ रही थी अपन के सामने वो थी डक्टस आर्टेरियोसस। अब डक्टस आर्टेरियोसस किसको बोल रहे थे आप, डक्टस आर्टेरियोसस बोल रहे थे अपन पल्मोनरी आर्टरी प्लस एर्टा, जहां पर मिल रहे थे उस जगह को अपन डक्टस आर्टेरियोसस बोल रहे थे। अब डक्टस आर्टेरियोसस में आफ्टर बर्थ क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो इसके अंदर जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो फंक्शनली जो चेंजेस देखने को मिलेगा वो विद इन 5 मिनट, मतलब ये फंक्शन में 5 मिनट के अंदर ही अपने पूरे फंक्शन बदल जाएंगे इसके, और नॉर्मल जो एडल्ट के फंक्शन होते हैं वैसे ये हर्ट फंक्शन करने लग जाएगा। बट एनाटोमिकली जो चेंजेस देखने को मिलेगा यहां पर वो देखने को मिलेगा 3 मंथ, मीन यहां पर जो स्ट्रक्चर चेंज होगी वो स्ट्रक्चर चेंज होने में 3 मंथ लग जाएंगे। किसकी स्ट्रक्चर चेंज, मतलब डक्टस आर्टेरियोसस की, जो पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा जिस जगह पर मिल रहे थे वो स्ट्रक्चरली चेंज होने के अंदर उसमें 3 मंथ लग जाएंगे। अब बात करते हैं अपन आगे जो ओपनिंग थी अपनी, और जो ओपनिंग थी वो किन किन के बीच में थी, जो अपनी थर्ड ओपनिंग ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग अपनी राइट एट्रियम प्लस लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग थी और उस ओपनिंग का जो नेम था वो था फोरामेन ओवल के नाम से एक ओपनिंग थी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में,
जिससे 70% ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पहुंच रहा था, कौन सी ओपनिंग के थ्रू? फोरामेन ओवल ओपनिंग के थ्रू। अब ये ओपनिंग जो है वो आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ की बात कर रहे हैं अपन यहां पर, तो आफ्टर बर्थ ये जो ओपनिंग है वो विद इन 5 मिनट, मेन तीनों चीजों को फंक्शनली, यहां पर अपन 5 मिनट की बात करते हैं तो फंक्शनली होगा, यहां पर फंक्शनली विद इन 5 मिनट के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे डक्टस आर्टेरियोसिस में भी, डक्टस विनोसिस में भी एंड फोरामेन ओवल के अंदर ही। बट अगर मैं बात करूं एनाटोमिकली, एनाटोमिकल बात करता हूं मैं, तो यहां पर जो टाइम लगता है वो लगता है 1 ईयर का, मीन यहां पर पूरी स्ट्रक्चर चेंज होने में लेफ्ट राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ओपनिंग थी फोरामेन ओवल की, इसको पूरा स्ट्रक्चरली चेंज होने में 1 ईयर का टाइम लगेगा। अब देखिएगा यहां पर जो चेंजेस आएंगे, स्ट्रक्चरली चेंजेस आएंगे, उनका नेम भी चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट चेंजेस जो आ रहा था अपना किसके अंदर आ रहा था? डक्टस विनोसस। तो डक्टस विनोसस का आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ जो नेम होगा वो क्या होगा? लिगामेंटम विनोसम, लिगामेंटम विनोसम। मीन यहां पर कह सकते हैं अपन कि ये रेमिनेंट मीन होता है रिमेनिंग, बचा हुआ पार्ट, कुछ बचा हुआ पार्ट रह जाएगा जिसका नाम अपन बोलेंगे लिगामेंटम विनोसम। ऐसे ही जो रेमिनेंट बचेगा वो डक्टस आर्टेरियोसिस। अब डक्टस आर्टेरियोसिस का जो रेमिनेंट बचेगा वो रेमिनेंट क्या कहलाएगा? उसको अपन बोलेंगे लिगामेंटम विनोसम, लिगामेंटम विनोसम। यहां पर अपन बोल रहे थे लिगामेंट, सॉरी इसको अपन बोलेंगे लिगामेंटम आर्टेरियोसम, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। यहां पर अपन डक्टस विनोसम का जो रेमिनेंट था उसको बोल रहे थे लिगामेंटम विनोसम, और यहां पर डक्टस आर्टेरियोसिस का जो रेमिनेंट है उसको अपन बोल रहे हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। अब जो थर्ड चेंजेस था वो था फोरामेन ओवल, फोरामेन ओवल। तो जो फोरामेन ओवल था इसके अंदर चेंजेस आएंगे और बच जाएगा क्या? रेमिनेंट। अब इसको बचे हुए पार्ट, रिमेनिंग पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? फोसा ओवेलिस, इसको अपन बोलेंगे फोसा ओवेलिस। फोसा मीन धसा हुआ पार्ट, तो अपन बोल सकते हैं कि एडल्ट के अंदर जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होता है यहां पर इस तरीके से धसा हुआ पार्ट देखने को मिलेगा अंदर की साइड, तो इसी को अपन बोलते हैं फोसा ओवेलिस। अब देखिएगा नेक्स्ट एक और चीज मैं बता देता हूं आपको लास्ट में, जो अम्लाइकल वेन थी,
अम्बिलिकल वेन, तो अम्बिलिकल वेन के बीच रेमनेंट को क्या बोलेंगे? तो अम्बिलिकल वेन के रेमिनेंट को जो थी, तो रेमिनेंट को क्या बोलेंगे? तो अम्बिलिकल वेन के रेमिनेंट को अपन बोलेंगे लिगामेंटम टेरिस। लिगामेंटम टेरिस तो देखिएगा, ये था फीटल हर्ट सर्कुलेशन। और फीटल हर्ट सर्कुलेशन के अंदर अपन ने देखा था कि प्लेसेंटा के थ्रू अम्बिलिकल वेन जा रही थी और वो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड डाल रही थी, और कुछ ब्लड एक ओपनिंग होने की वजह से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, तो कुछ परसेंट ब्लड राइट एट्रियम से डायरेक्टली किसके अंदर जा रहा था? लेफ्ट एट्रियम के। और वो ओपनिंग का नेम भी अपन ने पढ़ा, उसके अंदर जो चेंजेस होगा बाद में रेमिनेंट बचेगा उसका नेम भी अपन ने पढ़ा। तो मतलब कंटिन्यू अपन ने सारी चीजें इसकी कवर कर दी है शॉर्ट के अंदर, तो आपको समझ में आया होगा आई होप। और मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो भी आप इसी तरह कंटिन्यू देखते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।